नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एसके माथुर जीटूएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि माय डियर ये आप देख रहे हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आप इसमें सर्च करेंगे जीटूएस एकेडमी डाल के तो हमारा यूट्यूब चैनल आपका ओपन हो जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर, तो आप क्या करिए, इसमें जाके आप इस पॉइंट में आप चैनल में जाके आप माय डियर हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो प्ले करिएगा, वीडियो प्ले होगा, नीचे आपका ये रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, वहाँ पे आप अगर जाएंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब शेयर कर जरूर करें। आज हमारे डे क्या करने जा रहे हैं, आपको हम आज आपका रेलवे का जो पेपर हुआ था सिविल इंजीनियरिंग का CBT 2, उसकी बात में बताने जा रहा हूँ। CBT 2 हमारे डे अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपका स्वागत है कि काफी वीडियोस पड़े हुए हैं। यूपी में स्टूडेंट्स के लिए कुछ खबरी है कि यूपी टेबल एससी में वैकेंसीज आउट हो गई है, यूपी के लिए ये तो बहुत अच्छी न्यूज है सिविल इंजीनियर्स के लिए। खासकर आज हम बात करेंगे, हमने एक वीडियो आपका बना रखा है कि कैसे नोटिफिकेशन क्या आया, कैसे फॉर्म फिल करना, उसका मैं नीचे आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा। मैं थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं यूपी टेबल एससी की। उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इसमें जेई की वैकेंसी आई है। ये आपकी स्टेट में ग्रेड पे इसका 4200 है आपका जेई के लिए। कितने डिपार्टमेंट है वो मैं बताया एक वीडियो में, आपको नीचे लिंक प्रोवाइड करूंगा। यहाँ हम बात करेंगे कि कैसा पेपर होता है आपका। पेपर वन जो होता है माय डियर, उसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट वन पार्ट टू। पेपर आपका सेम दिन होगा दोनों, आपका जो पेपर वन और पेपर टू में आपको दो घंटे का गैप मिलेगा। पेपर टू आपका टेक्निकल होता है, पेपर वन आपका नॉन टेक्निकल होता है। पेपर वन जो है आपका, देखते हैं दो पार्ट होते हैं, पार्ट वन में होती है जनरल हिंदी और इंग्लिश। जनरल हिंदी और इंग्लिश टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 75 क्वेश्चन होते हैं। कितने नंबर के, 75 नंबर के, एक क्वेश्चन एक नंबर का, और समय होता है आपके पास दो घंटे। दूसरा जो पेपर होता है आपका पेपर वन में ही पार्ट टू जो होता है जनरल इंटेलिजेंस होती है, इसमें जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, रीजनिंग वगैरह, आपकी एप्टीट्यूड क्वेश्चन, मैथ, जनरल मैथ आ सकती है, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री ये सब पता होना चाहिए, जनरल साइंस, करंट अफेयर, और कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, ये सब मिला के आपका पेपर टू होता है। पेपर वन में ही पार्ट टू होता है, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 300 मार्क्स का, इसके लिए भी टाइम होता है आपका 2.30 आवर्स। जो पेपर टू होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका, और नॉन टेक का तो बहुत आसान पेपर आता है, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ा तो इसमें आप काफी अच्छा स्कोर कर लेंगे। लेकिन जो पेपर टू होता है वो सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम का टेक्निकल पेपर होता है। टेक्निकल पेपर में आपका 125 क्वेश्चन होते हैं जो कि 375 नंबर के होते हैं, यहाँ पे आपको 2 घंटे का समय मिलता है। तो टोटल मार्क्स आपके कितने हो गए, टोटल मार्क्स आपका 75+300+375, टोटल मार्क्स आपके 750। क्रिटिकल फ्लो कंडीशन 750, पहले इंटरव्यू होता था उसके 250 नंबर जोड़े आते थे, लेकिन अब जेई में इंटरव्यू कैंसिल हो गया है, अब जेई में इंटरव्यू आपका नहीं होना है। ये ग्रैंड टोटल पहले 1000 होता था, लेकिन अब कितना है आपका 750 में से आपके सिलेक्शन होगा। इसमें कुछ नहीं है आइडिया, आपको एग्जाम देना है, एग्जाम में अगर आप मेरिट में आते हैं बिना इंटरव्यू के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सीटें बहुत ज्यादा है, कैसे करनी है आपको तैयारी, तैयारी करने के लिए आपको टेक्निकल में पहले ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, और एग्जाम के पहले आपको नॉन टेक पे ध्यान देना है। डेली आप 1 घंटा जो है नॉन टेक्निकल को दीजिए, कंप्यूटर नॉलेज हो गया, जैसे जो पुराने क्वेश्चन है वही आएंगे आपके, ज्यादा नया नहीं आता कंप्यूटर में, बस आपका जो न्यू चेंज होगा वो केवल आपका करंट अफेयर चेंज होगा। जनरल नॉलेज में पिछला काफी चेंज रहता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जनरल इंटेलिजेंस में रीजनिंग और मैथ, आपको उस पर कमांड बनानी है, और हिंदी इंग्लिश तो आपको क्वेश्चन देख लीजिए, यूपी में जितने भी एग्जाम हुए आपका हो जाएगा, बहुत आसान आता है आपका। ये लेवल जो होता है काफी लो रहता है, लेकिन टेक्निकल में आपका, टेक्निकल में जो स्कोर करेगा 375 में से 300 के करीब, उसके लिए ये प्लस पॉइंट हो जाता है। तो आपको कैसे पढ़ाई करनी है, आपको क्या शेड्यूल फिक्स कर लीजिए, क्योंकि इसका 2-3 महीने में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। आई थिंक चुनाव के पहले सब कुछ ज्वाइनिंग दे सकता है, इसलिए जो अभी तक तैयारी कर रहे थे उनके लिए गुड न्यूज है। आप क्या करिए, जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट है जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उसको शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बना के उसका डेली रूटीन पे रिविजन करिए। मॉर्निंग को उठ के आप नोट्स को, जो पूरे नोट्स तो आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसलिए क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बना के क्या करना है, उसकी आपको डेली रिवीजन करना है, क्योंकि आपके पास काफी सब्जेक्ट हैं, सोम, बीएमसी, हाईवे, स्टील, आरसीसी, आपका सॉइल मैकेनिक्स, इन सब का नोट्स तो आप काफी मोटे मोटे होंगे नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स जल्दी बनाना है। आप हंस
सब्जेक्ट को एक छोटी सी डायरी में ले आना है ताकि आप आसानी से तैयारी कर सके। और एक चीज़ और, एग्जाम के लिए आपको एक पेपर में शॉर्ट नोट बनाने होते हैं, क्योंकि एग्जाम जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आप पेपर से तैयारी कर सके। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए वो आप उस पॉइंट उस पेपर में रखिए, वो हमेशा आपको कैरी करना है। जहाँ फंसते हैं आप क्वेश्चन लगाते हो तब आप नोट्स खोल के देखिए, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। और इसके अलावा अगर कोई चेंज करता है, ऑफिशियली चेंज आता है, तो मैं आपको एक वीडियो बना के डालूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। एक वीडियो मैंने इसकी डिटेल डाली है, वो लिंक पे प्रोवाइडेड है, उसको भी देखिए। अच्छा लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू। चार बार आपको दिए हैं 25 mm के और चार बार दिए 16 mm के। देन द ट्रांसवर्स स्टील शुड बी, आपसे पूछा ट्रांसवर्स स्टील कितनी होनी चाहिए। ट्रांसवर्स स्टील शुड बी आपका ऑप्शन ए होगा 6 mm डायमीटर एट द रेट ऑफ 250 mm सेंटर टू सेंटर। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन इंग्लिश में मैं देखता हूँ। इन सॉइल कॉम्पेक्शन If MDD मतलब मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी गामा डी जो होता है, हैज़ टू बी इंक्रीज, उसको बढ़ाते हैं, एंड देन टू एट ऑल लोअर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, देन द मैथड रिक्वायर्ड इज, मैथड रिक्वायर्ड इज क्या होता है, क्या कह रहा है फिर से देखिएगा ध्यान से। इन सॉइल को कॉम्पैक्ट करते वक्त मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो हैज़ टू बी इंक्रीज, एंड दैट टू एट ऑल लोअर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, देन दिस मैथड इज कॉल्ड, आपको बढ़ा रहे हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट को क्या करते हुए, एट ऑल लोअर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, देन द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट इज आपका ऑप्शन इसमें देखेंगे इंक्रीज द वेट ऑफ रैमर। आपको गामा डी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट जो है रैमर का बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा आपका, इंक्रीज द वेट ऑफ रैमर। नेक्स्ट माय डियर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, आपको स्टेटमेंट दिए हैं। डेंसिटी सेपरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट वेस्टेसेस कैन बी अकॉम्प्लिश्ड बाय एयर क्लासिफायर। एयर क्लासिफायर से डेंसिटी सेपरेशन होता है क्या, सॉलिड वेस्ट को डेंसिटी के आधार पर क्लासीफाई किया जाता है क्या, स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट टू, आपसे पूछेगा इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही लग रही है। ऑप्शन टू, आयरन रिकवरी फ्रॉम सॉलिड वेस्ट कैन बी डन बाय मैग्नेटिक सेपरेटर्स। आयरन की रिकवरी जो होती है वो मैग्नेटिक सेपरेटर्स से किया जाता है क्या। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन आपका स्टेटमेंट वन, डेंसिटी सेपरेशन सॉलिड वेस्ट का वो आपका एयर क्लासिफायर में किया जाता है, ये सही है। आयरन रिकवरी फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट कैन बी डन बाय मैग्नेटिक सेपरेटर्स, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, जिसको आपसे पूछेगा विच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन बिलो करेक्ट। एल्यूमिनियम सेपरेशन, एल्यूमिनियम का सेपरेशन सॉलिड वेस्ट में कैन बी कंप्लीट बाय एडी करंट सेपरेटर, नहीं, ये स्टेटमेंट तो आपको बिल्कुल गलत लग रही है। तो इसमें आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो गया हमारा इसमें ऑप्शन डी, वन एंड टू स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इन कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट आर ए बिल मीन्स, आर ए बिल का मतलब क्या होता है कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट में। इसका ऑप्शन आपका रनिंग अकाउंट बिल, रनिंग अकाउंट बिल ऑप्शन डी इज करेक्ट, रनिंग अकाउंट बिल होता है इसका मतलब, रनिंग अकाउंट बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत में अब तक कितनी बार आर्थिक आपातकाल घोषित की जा चुकी है, एक बार भी नहीं, आपकी ये इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगी, आर्थिक इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगी, नेवर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, तो यहाँ नेवर हो गया। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में। द डबल लेसिंग सेल बी, ये स्टील का क्वेश्चन है, द डबल लेसिंग सेल बी डिजाइन टू रेजिस्ट ट्रांसवर्स शियर वी टी इक्वल टू वेन पी इज द टोटल लोड। तो आपका जो होता है कितना लोड रेजिस्ट करता है जब टी, पी आपका क्या है, आपका पी इज द टोटल लोड एक्टिंग ऑन अ कॉलम, तो इसमें आपका 2.5% ऑफ पी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट माइडिया जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म लेमिना लाइज एट, कहाँ पे लाई करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म लेमिना लाई एट द मिड पॉइंट ऑफ द इट्स एक्सिस, उसके एक्सिस के मिड पॉइंट पे लाई करता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। विच इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस इन द अर्थ एटमोसफेयर, अर्थ एटमोसफेयर में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है,
देखते हैं कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं माइडियर क्वेश्चन नंबर 17। व्हेन डिड द संथल रिबेलियन ब्रेक आउट, संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था, संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था इसका देखते हैं माइडियर। संथाल विद्रोह आपका आपको पता ही होगा ये 1855, ये पूछा नहीं जाता है, पूछ लिया इन्होंने। हिस्ट्री में मेनली मॉडर्न हिस्ट्री पूछे जाते हैं क्वेश्चन। संथाल रिबेलियन ब्रेक आउट 1855। माय डियर आप लोगों को बता दें कि यूपी TSSC का बैच हमारा चल रहा है। कानपुर में दो जगह सेंटर चलता है, कानपुर में आपका एक पनकी में चलती है कोचिंग, पनकी में चलती है और काकादेव में चलती है। काकादेव में 9 नंबर क्रॉसिंग में न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, न्यू बैच जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं इवनिंग में चल रहा है आपका, इवनिंग आपका 5 to 8 चल रहा है। ठीक है, ये आपका टेक्निकल चलता है और नॉन टेक्निकल की टाइमिंग वैरी करती है। टेक्निकल का फिक्स है, नॉन टेक्निकल की टाइमिंग वैरी करती है। क्रैश कोर्स करवाया जाएगा UPSSC के अगर आप लोग हमसे जुड़ते हैं तो, या आपका कोई फ्रेंड हो तो उसको आप बता सकते हैं। फीस बहुत कम है, आप आइए ज्वाइन करिए, फिर आपको डेमो क्लास भी देंगे हम फ्री ऑफ कॉस्ट, आप पढ़ के देखिए फिर हमें बताइए कैसा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लेयर प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ द अनवांटेड मॉइस्चर इनसाइड द बिल्डिंग, आप एक लेयर प्रोवाइड की जाती है ताकि जो मॉइस्चर अंदर ना घुसे बाय सीपेज और बाय द लीकेज इज नोन है, उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं DPC, याद होगा आपको, डैम प्रूफ कोर्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसका ऑप्शन ए सही है, तो इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं माय डियर क्वेश्चन नंबर 19। GPS रिसीवर में डैश उपलब्ध होता है आपका, इसमें क्या होता है आपने देखा होगा, इसमें क्वार्ट्ज क्लॉक, आप अगर मूवी देखी होगी मास मिशन तो उसमें इसका वर्ड यूज़ किया जाता है, ऑप्शन सी क्वार्ट्ज क्लॉक। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पहली बार शीतयुद्ध ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था, द विंटर ओलंपिक गेम कम्स इनटू आपका 1924, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1924 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21। नेम ऑफ द स्ट्रक्चर मेंबर कनेक्टिंग ऑल द ट्रस एंड ऑल्सो सपोर्टिंग द रूफिंग स्टील, उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन ए पुल्लिन ही कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, पुल्लिन कहते हैं जो टॉप पे लगी होती है, ठीक है, उसको पुल्लिन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर क्वेश्चन नंबर 22। इन विच कंट्री प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज किस शहर में स्थित है, तो ये आप जानते ही हैं कहाँ पे स्थित है, ये कलकत्ता में, कलकत्ता में स्थित है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट, कलकत्ता। नेक्स्ट माय डियर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। रॉकेट डैश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, किसका कंजर्वेशन करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास कंटिन्यूटी इक्वेशन FM में पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बर्नौली इक्वेशन, और रॉक किसका कंजर्वेशन करता है, मोमेंटम का। नेक्स्ट माय डियर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर डिजाइन, स्ट्रक्चर डिजाइन का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कॉलम एंड वीक बीम, सही है बिल्कुल, कॉलम आपके स्ट्रांग होने चाहिए, बीम आपकी वीक होनी चाहिए, ताकि कभी भी अगर एक फ्रेम बन के रहेगा तो पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स करेगा। ठीक है, ये आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, SSC JEE में भी आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्ट बाइनरी कोड, रिफ्लेक्ट बाइनरी कोड किसको कहते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्ट बाउंड्री ग्रे कोड, तो ये टफ क्वेश्चन है माय डियर, ग्रे कोड को हम कहते हैं क्या, रिफ्लेक्ट बाइनरी कोड। नेक्स्ट माय डियर हम क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वर्टर, सिग्नल कन्वर्जन कहलाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस परफॉर्म सिग्नल कन्वर्जन, तो इसका ऑप्शन है आपका मॉड्यूलेटर जो होता है वो सिग्नल कन्वर्जन, तो ये आपके तो है ही नहीं, ABC तो आपका गलत है, प्लॉटर जो है आपको मैप के लिए होता है, कीबोर्ड टाइपिंग के लिए, माउस आपका कर्सर के लिए, तो आपका मॉड्यूलेटर जो होता है वो सिग्नल कन्वर्जन के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPSSC में भी कंप्यूटर आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं माइडिया, UPSSC के लिए आपको प्रीवियस ईयर UP के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, द फेलियर ऑफ द मटेरियल अंडर वेयरिंग लोड आफ्टर नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ सच लोड इज नोन एज, क्या कहते हैं हम इसको, हम पढ़ते हैं सोम में क्या, ये आपका फटीग फेलियर होता है, साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक लोडिंग की वजह से जो फेल करता है
उसको हम फटीग फेलियर कहते हैं। एंड्योरेंस लिमिट हम जानते ही हैं, एंड्योरेंस लिमिट वो लिमिट होती है जिसके नीचे हम चाहे इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइक्लिक रिवर्स साइक्लिक लोडिंग देख दें, कभी भी वो फेल नहीं करता है स्ट्रक्चर। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइडेड इन फोर्स कंक्रीट कॉलम ऑफ सर्कुलर, में कितने नंबर मिनिमम होते हैं? मिनिमम आपको पता होना चाहिए, इसमें 6 होते हैं सर्कुलर में, और रेक्टेंगुलर में आपके 4 होते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट माय डियर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, व्हाइल रिप्रेजेंटिंग द डायमंड डायमीटर ऑफ द डायमेंशनिंग इट इज रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फाइव से, तो हमें ऑप्शन फाइव से रिप्रेजेंट, डी से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाइव से, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ड्राइंग शीट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डायमेंशन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आइडिया क्वेश्चन नंबर 30, द पार्टिकल साइज ऑफ एन एग्रीगेट बिगर देन 4.75 में बट स्मॉलर देन 75, तो आपका क्या बोल रहा है? डी, ग्रेटर देन 75 माइक्रोन और लेस देन 4.75 mm। तो ये किस, आपको पता है ग्रेटर देन 4.75 mm आपका ग्रेवल सैंड हो जाता था, तो इसमें क्या होगा आपका? ये एग्रीगेट के टर्म में पूछा है, तो आपका क्या होगा? हम जानते हैं लेस देन 2 माइक्रोन आपका क्ले होता है, 2 से 75 आपका सिल्ट होता है, और आपका 75 से ये जो होता है आपका कोर्स एग्रीगेट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जाते हैं हम लोग वहाँ पे, ये एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गया माय डियर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 माय डियर, इन ए ए ए ब्लॉक्स द लाइट वेट प्रॉपर्टी इज अचीव्ड बाय, लाइट वेट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी इज अचीव्ड बाय, ए ए सी ब्लॉक में हल्के होने का गुण किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? इसका एरेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन क्या होगा आपका इसका? एरेशन, एरेशन ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, आपका डैश एड्रेसिंग मोड इज मोस्ट सुटेबल टू चेंज, दैट एड्रेसिंग मोड इज मोस्ट सुटेबल टू चेंज द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक, तो इसका ऑप्शन डी होगा। रिलेटिव का हिंदी में देख लो, निर्देशों में निष्पादन के समान अनुक्रम को बदलने के लिए डैश एड्रेसिंग मोड सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो इसका इनडायरेक्ट आपका होगा, इनडायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर हुआ माय डियर रिलेटिव, इसका आंसर रिलेटिव हुआ आपका, रिलेटिव, ये आपका रिलेटिव, इसका आंसर है रिलेटिव, सॉरी मैंने आपका इनडायरेक्ट बता दिया था। नेक्स्ट माय डियर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द सेंट्रल लाइन मेथड इज अप्लाइड एडॉप्टेड फॉर एस्टिमेशन, सेंट्रल लाइन मेथड जो होता है वो हम जानते हैं कि इसमें यूज़ किया जाता है आपका एस्टिमेशन में, सर्कुलर हेक्सागोनल एंड अदर ज्योमेट्रिक शेप के लिए होता है, पॉलीगोनल बिल्डिंग नहीं, हेक्सागोनल बिल्डिंग ओनली नहीं, ये आपका किसके लिए होता है? सर्कुलर हेक्सागोनल एंड, ये क्वेश्चन बहुत आता है, एसएससी जेई में भी क्वेश्चन आपका सेंट्रल लाइन वाला आया था। नेक्स्ट माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का ये देखिए बड़ा सा लैंग्वेज दिया है, हम पढ़ के देखते हैं इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 34, बार ए हैज़ अ डायमीटर डी एंड लेंथ एल, बार ए की डायर डी है, लेंथ एल है, बार बी हैज़ अ डायमीटर 2D एंड लेंथ 2D, इफ बोथ ऑफ द बार आर मेड अप सेम मटेरियल, दोनों सेम मटेरियल के तहत सब्जेक्टेड टू सेम लोड, द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ ए टू बी इन द लेंथ ऑफ बी इज द, इन क्या पूछा, द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ ए टू द चेंज ऑफ लेंथ ऑफ बी, दोनों का रेशियो क्या होगा? ए क्या था आपका? छोटा था, बी क्या था आपका? बड़ा था, तो एक से कम हो जाएगा क्या? एक से कम हो जाएगा कि ज़्यादा हो जाएगा? इसमें द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ ए टू, लेंथ में चेंज ए और बी का क्या अप्लाई करने पे, बोथ ऑफ द बार मेड ऑफ द सेम मटेरियल सब्जेक्टेड टू सेम लोड, दोनों पे सेम लोड लग रहा है, तो एक तरीके से लोड लग रहा है, तो ये आपको टेंशन लोड बता रहा होगा, तो पूछा दोनों का रेशियो क्या होगा, तो ज़्यादा लंबाई किसकी बढ़ेगी, जो छोटा है जो या जो बड़ा है, जो 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 छोटा है उसकी लेंथ ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि वो क्या है, वो उसका डायमीटर स्मॉल डी है, लेंथ एल है, इसका डायमीटर 2D है, इसका दोनों का रेशियो क्या होगा, दोनों का रेशियो 2 दे रहा है आपका, ऑप्शन 2, तो ये आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगता है वो कौन सी डिवाइस से मेजर किया जाता है?
स्प्रिंग बैलेंस से, स्प्रिंग बैलेंस नेक्स्ट मैनोमीटर प्रेशर के लिए होता है, बैरोमीटर प्रेशर के लिए थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो आराम से इसको आप पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, टू डिज़ाइन अ डीप बीम द फैक्टर दैट आर टेकन इनटू अकाउंट आर, डीप बीम के लिए जो फैक्टर लेते हैं वो कौन से होता है, ऑप्शन ए इसमें दे लीनियर बल्क बकलिंग, टेम्परेचर बकलिंग, नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, ड्राइंग पेंसिल, ड्राइंग पेंसिल की बात करा, आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन रिलेटिव, क्या बढ़ने पे, डायमीटर, लेंथ, शार्पनेस, हार्डनेस, हार्डनेस बढ़ने से, ऑप्शन डी इज करेक्ट, हार्डनेस बढ़ने से हम उसको क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं, एच बी, टू बी, टू एच, पता है ना आपको ये पेंसिल्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, इफ़ द हार्ड रॉक स्ट्रेटा इज़ वेरी ग्रेट डेप्थ देन द फिजिबल इकोनॉमिकल पाइल टाइप इज, अगर आपका कह रहा है कि हार्ड रॉक जो है वो बहुत नीचे है तो आप कौन सी रॉक डालोगे, पाइल हम जानते हैं फ्रिक्शन पाइल, अंडर रिम पाइल, ठीक है, और आपकी एंड बीरिंग पाइल, तो अगर बहुत नीचे है तो एंड बीरिंग पाइल तो होगा नहीं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रिक्शन पाइल, ऑप्शन फ्रिक्शन पाइल क्या होता है, जैसे आपकी ये पाइल है, ये ग्राउंड है, तो अगर एंड से रेजिस्टेंस कर रहा है तो उसको एंड बीरिंग कह देंगे, लेकिन जो रॉक है आपका वो बहुत ज़्यादा नीचे डेप्थ पे है तो हम नीचे तक पाइल नहीं ले जा सकते, तो ये एंड बीरिंग क्या होगा, नहीं होगा, उसमें क्या होगा, केवल उसमें ये होगा आपका साइड में, इसको हम क्या कहते हैं, स्किन फ्रिक्शन, ठीक है, तो इसमें आपका फ्रिक्शन पाइल इसको कहते हैं, जिसमें ये एंड बीरिंग, ये एंड बीरिंग नहीं होता है जिसमें, ठीक है, तो ये लगने वाला साइड फ्रिक्शन पाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, माय डियर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को बोलिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्चार्ज थ्रू ट्रेपेज़ॉइडल चैनल इज मैक्सिमम वेन, ट्रेपेज़ॉइडल चैनल हम जानते हैं ऐसा चैनल होता है इससे डिस्चार्ज क्यू जो है वो मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम कब होता है हमें पता ही है इसका, हाफ द टॉप विथ इक्वल टू वन ऑफ द स्लोपिंग साइड, ये हमने ड्राइव करवाया था आपको इरिगेशन में क्वेश्चन है, तो ये हाफ द टॉप विथ इक्वल टू वन ऑफ द साइड स्लोप साइड, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट पिक करने के लिए आपसे बोल रहा है, ऑल ऑप्शन करेक्ट पहले ही दे दिया, इसमें देखते हैं ज़्यादातर इसमें क्या होता है, ऑल ऑप्शन करेक्ट होते हैं, अ कैश फ्लो डायग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैश फ्लो ड्रॉ इन अ टाइम स्केल, सही है, द अजम्पशन दैट ऑल कैश फ्लोज अकर्स एट द टाइम ऑफ इंटरेस्ट पीरियड इज नोन एज द एंड पीरियड कन्वेंशन, ठीक है, ऑप्शन द रिसिप्ट ऑफ द डिस्बर्समेंट इन अ गिवन टाइम इंटरवल आर रेफर्ड एज द कैश फ्लो, हम ऊपर भी देख लेते हैं माय डियर हिंदी में, जिसको पढ़ना हो ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, सीमेंट और कंक्रीट के ग्रेड को इसमें से किस SI में व्यक्त किया जाता है, ग्रेड ऑफ सीमेंट एंड कंक्रीट एक्सप्रेस्ड इन SI यूनिट, ठीक है, कौन सी SI यूनिट होती है आपको पता ही है, ये तो बहुत आसान है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में जाते हैं हम लोग देखते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर क्वेश्चन नंबर 42, द प्रोसेस ऑफ वाटर बीइंग लॉस्ट फ्रॉम द लीफ, पत्तियों से पानी का जो लॉस होता है वो किसकी वजह से होता है, ट्रांसपीरेशन की वजह से होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, जिसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द डिफरेंस इन प्रेशर, प्रेशर में डिफरेंस मेजर करने के लिए कौन सा, डिफरेंशियल पीजोमीटर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द लॉरी ऑफ ट्रक ब्रिंगिंग RMC फ्रॉम फैक्ट्री टू कंस्ट्रक्शन साइट, फैक्ट्री से आपका कंस्ट्रक्शन साइट ऐसी जगह जहाँ पे मसाला नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए किससे लाया जाता है, कंक्रीट मिक्सर, कंक्रीट ट्रक, ट्रांजिट मिक्सर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ट्रांजिट मिक्सर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, मड पंपिंग इज अ प्रॉब्लम अकरिंग विच टाइप ऑफ पेमेंट, आपको पता है हमने पढ़ाया था रिजिड में मड पंपिंग होती है, रिजिड में मड पंपिंग होती है, आपका ये फिर एक आपका नेगेटिव ड्रॉबैक है उसका, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विच टाइप ऑफ डिवाइस ऑफ कंप्यूटर स्पीकर और हेडफोन क्या करता है, वो बाहर साउंड देता है, तो कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन ए करेक्ट, आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर मुल्लर ब्रेसलाउ प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू, ये हम लोग स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन ए आपका ये इन्फ्लुएंस लाइन के लिए होता है, टू ड्रॉ अ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम टू स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द लोकस ऑफ रिएक्शन ऑफ टू हिंजेस सेमी सर्कुलर आर्च इज, जो लोकस होता है रिएक्शन का ऑफ टू हिंजेस सेमी सर्कुलर आर्क इज, कैसा होता है लोकस आपको पता होना चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन होता है, ऑप्शन ऑप्शन डी स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन डी स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन विद द हेल्प ऑफ थ्रेड लाइट इन सर्वेइंग, सर्वेइंग में थ्रेड लाइट की मदद से क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इस्टेब्लिशिंग ग्रेड्स, ग्रेड स्थापित करना ये कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, सेटिंग आउट ऑफ कर्व कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ द एरिया ऑफ ग्राउंड नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ऑप्शन सी इज नहीं कर सकते हम, ये नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द कर्व रेजिस्टेंस ऑफ 50 टन ट्रेन ऑन अ ब्रॉड गेज ऑन अ 4 डिग्री कर्व, तो ये आप सॉल्व कर लीजिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट इसका 0.08 टन। क्वेश्चन नंबर 51, विच इज हेलोवीड सेलिब्रेटेड, वेन इज हेलोवीड सेलिब्रेटेड, हेलोवीड कब मनाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर को हेलोवीड मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो करने लायक नहीं होता है, तो उसको छोड़ना होता है आपको, नेगेटिव नहीं देना होता है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो दैट विल टेक प्लेस थ्रू द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉइल अंडर यू, जो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो पास होता है उसको क्या कहते हैं, डिस्चार्ज वेलोसिटी की ऑप्शन इसमें अंडर द यूनियन हाइड्रोजन यूनिट नोन एज, क्या कहते हैं, डार्सी ऑप्शन कहते हैं कि डार्सी लॉ कहते हैं, तो ऑप्शन डी ऑप्शन ऑफ परमिबिलिटी के कहते थे हमें, याद है ना, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी प्रोपोर्शनलिटी साइन आता, तो क्या आता है, के आता है यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट में, उसको हम बोलते हैं ऑप्शन ऑफ परमिबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट इन द सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला, कौन से फॉर्मूला दिया जाता है हमें पता ही है, ऑप्शन बी केमिस्ट्री, 2n स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, अ क्यूबिक मीटर ऑफ माइल्ड स्टील वेट, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यूबिक मीटर का वेट कितना होता है आपका पता होना चाहिए, 7850 kg, ऑप्शन ए 7850 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, डैश आर लाइंस ड्रॉन ऑन अ मैप टू लोकेट द प्लान व्यू पॉइंट ऑफ इक्वल ग्राउंड एलिवेशन, इक्वल ग्राउंड एलिवेशन का जो दिखाता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, कंटूर, सेम हाइट वाले पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन पूछा आपको, क्या होती है, कंटूर होती है। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 56, द प्रोसेस ऑफ मार्किंग द पोजिशन ऑफ वेरियस फाउंडेशन एंड अदर एलिमेंट ऑन द ग्राउंड एज पर द ड्राइंग इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, फाउंडेशन को अलग ड्राइंग शीट से देख के ग्राउंड पर लोकेट करने को क्या कहते हैं, सेटिंग आउट ऑफ फाउंडेशंस को क्या कहते हैं, ऑप्शन डी सेटिंग आउट ऑफ फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, एंथ्रेक्स इज कॉज्ड बाय अ टाइप ऑफ, एंथ्रेक्स एक प्रकार के डैश के कारण होता है, किसके कारण होता है आपका, बैक्टीरिया के कारण होता है, एंथ्रेक्स आपका बैक्टीरिया क्या होता है गूगल में सर्च कर लीजिएगा, ये होता क्या है। नेक्स्ट माय डियर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर, आपको कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट पॉइजन रेशियो इंपॉर्टेंट है, ये पता है म्यू अपॉन वन माइनस म्यू होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, म्यू अपॉन वन माइनस म्यू, ये आपको ज़्यादातर टेक्निकल क्वेश्चन सब क्लास नोट्स से हैं, करवाए हुए हैं बच्चों का, काफ़ी अच्छा एग्जाम हुआ है। माय डियर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है, हमारी G2S Academy के नाम से सर्च करिए, चैनल प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जा सकते हैं आप, सब्जेक्ट सीक्वेंस वाइज भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर इंटरपोलेशन ऑफ सेटेलाइट डाटा यूज फॉर मॉनिटरिंग डायनेमिक चेंज दैट अकर ऑन द अर्थ सर्फेस द मोस्ट सुटेबल ऑर्बिट फॉर द सेटेलाइट इज, ऑप्शन डी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट।
हिंदी में जो पढ़ना चाहते हैं ये है, आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, एक्वेटिक एनिमल मतलब पानी में रहने वाले जानवर, एक्वेटिक एनिमल मतलब पानी में रहने वाले जानवर, कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व गैस इन द वाटर, ऑक्सीजन की वजह से होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑक्सीजन की वजह से वो पानी में सांस ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, आफ्टर फिक्सिंग द प्लेन टेबल टू द ट्राईपोर्ट द मेन ऑपरेशन विच आर नीडेड एट द अर्थ प्लेन टेबल स्टेशन आर, कौन कौन से मेन ऑपरेशन होते हैं जो किए जाते हैं ट्राईपोर्ट सेट करने के बाद, तो ये भी आपका कई बार क्वेश्चन क्लास में करवाया गया है, यह आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, लेवलिंग, उसके बाद सेंटरिंग, फिर ओरिएंटेशन, ठीक है, लेवलिंग सेंटरिंग ओरिएंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आइडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, द ओल्ड टाइप ऑफ वॉल फाउंडेशन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्टेप ऑफ द ब्रिक और स्टोन लेयर्स ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग विड्थ इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं हम, लाइन फुटिंग और वॉल फुटिंग कहते हैं, लाइन फुटिंग और वॉल फुटिंग, ठीक है। लाइन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, सुपर एलिवेशन हाईवे का है, ई एक्सप्रेस वेलोसिटी ए, ये दिया जी दिया हुआ, आर दिया हुआ, हॉरिजॉन्टल का वेट दिया हुआ, जी दिया हुआ, आपसे पूछा है क्या सुपर एलिवेशन ई, आपको पता ही होगा फॉर्मूला सुपर एलिवेशन का, ई इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, ई इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट, ई इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, फील्ड वेन सीएटेस, वेन सीएटेस जानते हैं हम, सीयर के लिए करते थे, फील्ड का भी होता है और लैब का भी होता है, ठीक है। अप्रोप्रिएट फील्ड टेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग द सीयर स्ट्रेंथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी, आपका सैंड ग्रेवल क्ले वेदरिंग रॉक, क्या लगाओगे, क्ले सॉफ्ट के लिए होता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट मैडी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, एच एन ओ, कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ एच एन ओ, कैलकुलेट कर लीजिए, केमिस्ट्री है, 63U ऑप्शन है इसका, 63U ऑप्शन नंबर बी है इसका। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, 66 में क्या है, 66, इन एनी गुड स्टेयरकेस द मैक्सिमम एंड मिनिमम पिच शुड बी, कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम मिनिमम पिच आपकी, 40 डिग्री और 25 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर, क्वेश्चन नंबर 67, वेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेज टू गिव, किस, क्या देता है कैल्शियम का, सी ए सी ओ, कार्बोनेट को हार्ड करोगे, कैल्शियम लाइम स्टोन को हार्ड हीट करोगे, कैल्सिनेशन कहते हैं, तो क्या देगा आपको, ऑप्शन बी सी ए ओ प्लस सी ए ओ टू, ठीक है, ये तो पता ही है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 68, कंबाइंड फुटिंग में भी रेक्टेंगुलर इन शेप इफ, अगर रेक्टेंगुलर होगा जब दोनों पे लोड जो होगा वो सेम लग रहा होगा, ऐसा ऑप्शन है क्या, बोथ द कॉलम इक्वली लोडेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 69, अ सॉल्यूशन टर्न रेड, सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू द पीएच इज लाइकली टू बी, आपको ये पीएच का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी जब 10 होगा तब, ऑप्शन बी जब 10 होगा तब। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, न्यूमेरिकल है, आप इस टेस्ट कंक्रीट बीम आपकी 150x150x300 mm सपोर्टेड लाइव लोड इतना और सिंपली सपोर्टेड स्पैन 8 मीटर हैज अ पैराबोलिक, ये आप देख लीजिएगा, इसका आंसर जो है आपका 392 किलो न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आइडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, 2019 में वेयर वॉज द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट इनॉग्रेटेड बाई नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन बी कहाँ पे, हरियाणा में ये उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, इन विच ईयर ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में कब आया था आपका, 1972, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर, क्वेश्चन नंबर 73, वॉट इज द परसेंटेज कंटेंट ऑफ एसफॉल्ट इन द कट बैक एसफॉल्ट में परसेंटेज पूरा 85%, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर, क्वेश्चन नंबर 74, अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड द फिनोमेना इज कॉल्ड, वो क्या कहते हैं हम, ऑप्शन सी, इसको कहते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ, इसको कहते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ, ऑप्शन सी एम्पियर मैक्सवेल लॉ। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर, क्वेश्चन नंबर 75, द कंबाइंड नेम ऑफ द टू टेस्ट एलोंगेटेड इंडेक्स एंड फ्लैकीनेस इंडेक्स इज डैश, क्या है ये, सेफ टेस्ट है ये आपके, क्या है, सेफ टेस्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं आइडिया, क्वेश्चन नंबर 76,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर में जो लिक्विड हो जाता है वो क्या है आपका, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका गैलियम, गैलियम ठीक है, ये तो होता ही नहीं है, आप सिल्वर गोल्ड तो हट ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्कैप फोल्डिंग, मतलब जो आपको शटरिंग वो लगाते हैं ऊपर क्या करने के लिए, वो आपको जैसे ऊपर कुछ काम करना है तो जो बल्लियों का बांधते हैं वो स्टील का यूज, स्कैप फोल्डिंग कहते हैं उसको। विच इज़ वाइडली यूज कंस्ट्रक्शन ब्रिक वर्क इज आपका सिंगल स्कैप फोल्डिंग, सिंगल स्कैप फोल्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, द 5 ईयर टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द, कब से कैलकुलेट किया जाता है, डे ऑफ एज्यूम चार्ज, जिस दिन से वो चार्ज, जिस दिन से वह पदभार ग्रहण कर लेता है उस दिन से, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट द लग एंगल, हम स्टील में यूज़ करते हैं लग एंगल, यूज इन कनेक्ट हैवियर लोडेड टेंशन मेंबर टू गसेट प्लेट, आपको कौन सी स्टेटमेंट, तो तीन स्टेटमेंट दिए बोला कौन सी सही है आपका, ऑप्शन बी है, बोथ वन एंड थर्ड सही है आपका, वन द लेंथ ऑफ द एंड कनेक्शन इज रिड्यूस, सही बात है, ऑप्शन थ्री जो है आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है तो इसके आंसर आपका बी इज करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, सेकेंड गलत है, बाई यूजिंग लग एंगल देयर विल बी सेविंग ऑफ द गसेट प्लेट, नहीं लग एंगल से गसेट प्लेट का कोई लेना देना नहीं, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट जाते हैं माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, 80 क्वेश्चन में, 80 में जाते हैं, पूछा इन विच ईयर जनरल इलेक्शन इंडिया में हेल्ड हुए थे, तो आज़ादी के बाद ही था आपका, 1951 से 1952 में आपका जनरल इलेक्शन हुए थे ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छा विच ईयर वाज द सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम स्टार्टेड, ये कब स्टार्ट किया गया था आपका सैनिटेशन प्रोग्राम, सेंट्रल सेंट्रल रूरल सैनिटेशन रूरल मतलब जानते हैं हम लोग, ऑप्शन बी 1986 ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 82, द प्रोसेस दैट आर रेजाइडिंग इन मेन मेमोरी एंड आर रीड एंड वेटिंग टू द एग्जीक्यूशन आर केप्ट इन द लिस्ट ऑफ, किस में रखा जाता है, रेडी क्यू में रखा जाता है, रेडी क्यू ऑप्शन, कंप्यूटर क्वेश्चन है, आप उसमें भी देख सकते हैं ऊपर देखना चाहें तो, सॉरी ऊपर देखना चाहें अगर तो, ऊपर देखना चाहें तो ये आपका ऊपर हिंदी में दिया हुआ है ठीक है, तो आपका ये हो गया ठीक। नेक्स्ट जाते हैं माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, व्हेन द सॉइल लेयर सराउंडिंग अ पोर्शन ऑफ पाइल साफ्ट सेटल्स मोर देन द पाइल द डाउनवर्ड ड्रैग, क्या होता है, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन होता है क्या, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, मतलब क्या कह रहा है, पायल से ज़्यादा नीचे सॉइल सेटल कर जाएगी तो शीयर कैसा लगाने लगेगी, वो डाउनवर्ड लगाने लगेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव शीयर कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव शीयर कहते हैं हम लोग ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, गैस लीक ड्यूरिंग भोपाल ट्रेजेडी, भोपाल ट्रेजेडी में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी, पूछ रहा है वॉज, कौन सी गैस थी आपकी, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट जो पॉइजन होता है, काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85, द सजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एशियन गेम्स वॉज फर्स्ट मेड एट, कहाँ पे किया गया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ एशियन कंट्रीज न्यू दिल्ली 1947, कॉन्फ्रेंस ऑफ एशियन कंट्रीज की कॉन्फ्रेंस हुई थी नई दिल्ली में 1947 में, तब एशियन गेम्स के बारे में आपका डिस्कशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ लीड इज द हार्डेस्ट, कौन सा ग्रेड जो होता है लीड का हार्डेस्ट होता है, 6H। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, द डिस्टेंस ऑफ द वीना कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम द ऑरिफिस इज अप्रॉक्सीमेटली, कितना होता है, वीना कॉन्ट्रैक्टर डिस्टेंस ऑरिफिस से लगभग हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द ऑरिफिस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, सिप फुट रोलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर, किसके लिए, कोहेसिव सॉइल के लिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, कोहेसिव सॉइल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, ट्रसेस कंप्राइजेस ट्रैंगुलर फिगर, सही है, ट्रसेस कंप्राइज ट्रैंगुलर फिगर, आ पिन जॉइंट स्टेबल फिगर इज अ ट्रैंगुलर फिगर, आ पिन जॉइंट स्टेबल फिगर इज अ ट्रैंगुलर फिगर, तो क्या कह रहा है आपका इसमें एसर्शन और रीजनिंग, तो दोनों सही है लेकिन उसका करेक्ट आंसर नहीं, तो ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर
90 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। डायमेंशन टेक्स्ट इज जनरली प्लेस्ड अबव द डैश लाइन, अबव किसके, एक्सटेंशन लाइन के ऊपर, ठीक है, एक्सटेंशन लाइन के ऊपर। तो ये जो लाइन होती है इसको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन लाइन कहते हैं, इसके ऊपर हम बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। HDF बोर्ड मीन्स, HDF बोर्ड मतलब हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड, हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। व्हेन टू रूफिंग शीट मीट एट द लोअर लेवल फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन फॉर्मिंग अ एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री जंक्शन इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं हम, इसको वैली कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक शुड बी एट लीस्ट, सेडिमेंटेशन टैंक की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 4 times होनी चाहिए। तो आपको डाटा याद रखना है, 4 times होनी चाहिए, एनवायरमेंट पीएचई का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। नॉर्मल एवरेज थिकनेस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर अक्रॉस द ग्लोब इज अराउंड, कितना होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 300 DU, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। VOC रिप्रेजेंट, VOC क्या रिप्रेजेंट करता है, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, VOC वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर, क्वेश्चन नंबर 96। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी नॉमिनेटेड, पहली महिला नॉमिनेटेड टू द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, पहली महिला जो इंटरनेशनल कमेटी में गई थी, नीता अंबानी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव इतना, देन द वॉट इज द फ्रीक्वेंसी, तो हम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन जानते हैं, उससे हम लोग निकाल लेंगे 25 आपका हर्ट्ज आएगा, ठीक है, निकाल लोगे, FM में भी पढ़ता है हम लोग रिलेशन। ताजमहल इज सेट टू बी सफरिंग फ्रॉम द मार्बल कैंसर, वॉट इज द मार्बल कैंसर, मार्बल कैंसर क्या होता है, ऑप्शन ए एसिडिक रेन विच करोड्स मार्बल, एसिडिक रेन जो मार्बल को क्या करती है, करोड कर देती। क्वेश्चन नंबर 99। इन ऑटोकैड द 3D कमांड इज द मॉडलिंग टूल बार इंक्लूड, जो कि क्या इंक्लूड करता है, ऑप्शन बी ऑल स्पेयर बॉक्स, सब कुछ होता है, आपने अगर देखा होगा तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट, वीट पंजाब तो बहुत हाई प्रोड्यूसर है, लीस्ट प्रोड्यूसर कौन हो सकता है, हरियाणा आंध्र प्रदेश होगा, वहाँ चावल होता है, बी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऐसे भी लगा दोगे ऊपर अपने वीट होता है, साउथ में चावल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 101। द लोड बीरिंग स्ट्रक्चर, इफ द वॉल इज नॉट बीरिंग द लोड फ्रॉम द स्लैब, दैट वॉल इज ऑल्सो कॉल्ड, जो कि स्लैब का लोड नहीं लेती उस वॉल को क्या कहते हैं, पार्टीशन वॉल कहते हैं, ठीक है, जो लोड नहीं लेती वो पार्टीशन वॉल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है, कोनिंग ऑफ अ ट्रेन व्हील इज डन फॉर द पर्पस ऑफ, कोनिंग जो रेल की जाती है वो किस पर्पस के लिए की जाती है, वो एनेबलिंग द ट्रेन ऑफ द व्हील टू कवर डिफेक्ट डिस्टेंस अलोंग द इनर एंड आउटर कर्व साइमल्टेनियसली, ठीक। तो ये हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन है, ये देखिए ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। वॉट इज द सुपर एलिवेशन फॉर हॉरिजॉन्टल हाईवे, कर्वे आपका सुपर एलिवेशन पूछा है, आपको रेडियस दिया हुआ है और स्पीड दी है, निकाल लोगे फॉर्मूले से, इसका आंसर आएगा आपका 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पे जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 104। द कॉमन नेम ऑफ ऑल डोर विंडो सच यूनिट्स आर कॉल्ड, सच यूनिट जो कॉमन होती दोनों में उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाइनरी कहते हैं, ज्वाइनरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर, नेक्स्ट 105 देखते हैं। विच फोल्डर रिटेन कॉपीज ऑफ मैसेज दैट यू हैव स्टार्टेड बट नॉट येट रेडी टू सेंड, इसको कौन सा फोल्डर होता है, उसको क्या कहते हैं हम, ड्राफ्ट कहते हैं, उसको हम कहते हैं ड्राफ्ट, ठीक है, ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन। 106 ये देखते हैं। इन अ ओवर हैंगिंग बीम ABC, ABLBC ओवर हैंगिंग बीम है आपकी ABC, ठीक, ओवर हैंगिंग, ये ऐसे ही बना सकते हो सिंपली सपोर्टेड ऐसे करके, जैसे बीम ओवर हैंगिंग है मतलब लटक रही है। AB = LBC = AC बीइंग फ्री एंड, इफ द सब्जेक्टेड टू अ वर्टिकल लोड W एट द फ्री एंड मैक्सिमम मूवमेंट अकर, क्या कह रहा है, ओवर हैंगिंग बीम ABC, AB की लेंथ कितनी है,
ए बी की लेंथ एल है, ये मान लो ए है, ये आपका बी है, ठीक है, ये बी, और बी ए की लेंथ जो है वो ए है, ठीक है। सी पॉइंट भी जो फ्री एंड पे है ये है, वहाँ पे क्या लग रहा है आपका, पॉइंट लोड लगा है डब्लू। पूछा है मैक्सिमम मूवमेंट जो होगा वो कहाँ पे होगा, मैक्सिमम मूवमेंट आपका होगा बी पे होना चाहिए, यहीं पे मैक्सिमम मूवमेंट आएगा, ऑप्शन बी होना चाहिए इसका, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इसको कपल को यहाँ पे लगा देंगे, तो ये मूवमेंट मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, बी पे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। अ डिवाइड वॉल इज प्रोवाइडेड, डिवाइड वॉल प्रोवाइड की जाती है सी एट राइट एंगल ऑफ द एक्सिस ऑफ द वी है, ठीक, एट राइट एंगल ऑफ द एक्सिस ऑफ वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाते हैं, सभी स्टेटमेंट्स में सही लगती हैं। 108, व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन WEF ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2019 में, इंडिया की रैंक कितनी थी, 76 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109, द कमांड विच इज यूज टू मेक द रीजनल ज्योमेट्री इन द ऑटो कैड इज, इस कमांड को क्या कहते हैं, सी रीजन, REG करके कहते हैं। ज़्यादातर कमांड जो होती है नाम से ही स्टार्ट होती है, शॉर्ट कमांड, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 110, व्हाट इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ 1 माइक्रोन एम्पियर, 1 माइक्रोन एम्पियर का मेजरमेंट आपका ऑप्शन बी 10^-6 एम्पियर, ठीक है, 10^-6 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111, द मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर द आइसोलेटेड फुटिंग टू कैरी द लोड, आपको दिया हुआ है 1000 किलोन्यूटन, लोड दिया हुआ है 1000 किलोन्यूटन, कंसिडर हुआ द सॉइल सेफ ब्रीदिंग कैपेसिटी इतना दिया हुआ है, आपको एरिया पूछा है, तो इसका ऑप्शन बी आएगा, सॉल्व कर लेना, 4.9 मीटर स्क्वायर फाउंडेशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, द डेंसिटी ऑफ एस प्रोड्यूस्ड इन द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो होता है, वो एस की डेंसिटी जो होती है वो कितनी होनी चाहिए, 700 kg/m², ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, इन ऑटोकैड द फ्री ऑर्बिट टूल इज फाउंड ऑन द डैश टूल, फ्री ऑर्बिट टूल जो होता है वो किस में पाया जाता है, मॉडिफाई में, वो किस में पाया जाता है, मॉडिफाई, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, मॉडिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन, राइट सेंटर नहीं होगा, पेज मार्जिन सेंटर नहीं हो सकता, टॉप बॉटम और ये तो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, बेंडिंग मूवमेंट एट एनी सेक्शन इन अ कंजुगेट बीम gives messages the that forge brighter connections. ठीक, क्या देता है actual beams? And emails that get the job done. Conjugate beam gives the actual beam. You need to think about more than just grammar and spelling. Conjugate beam में क्या देता है? Reflection देता है. This sentence is grammatically correct. Next question, but it's wordy and hard to read. 116. It undermines the writer's message and the word choice is bland. Grammarly's cutting edge technology helps you craft compelling, understandable writing. फिक्स बीम को हम एंड कास्टर बीम भी कहते हैं, फिक्स बीम को हम एंड कास्टर बीम भी कहते हैं, फिक्स बीम इज आल्सो नोन एज एंड कास्टर बीम। नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम कंक्रीट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, कोर्स एग्रीगेट पर अलग होना, सेग्रीगेशन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 118, the trap efficiency of a reservoir after commissioning will, trap efficiency जो होती है वो क्या होती है आपका, decreases with time, घटती है समय के साथ। नेक्स्ट देखते हैं माइडिया, क्वेश्चन नंबर 119, which of the following is a type of bolt, bolt का प्रकार है, ऑप्शन बी ऑल आपके बोल्ट के प्रकार है, टर्न बोल्ट, दैट बोल्ट, तभी आपके बोल्ट के प्रकार है। नेक्स्ट माइडिया देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, नेक्स्ट देखते हैं माइडिया, when the time taken to complete a given amount of work increases, किसी काम करने का समय अगर हम बढ़ा देते हैं, देन क्या होता है आपका, क्या होता है, पावर घट जाती है, पावर डिक्रीज हो जाती है, पावर डिक्रीज हो जाती है, कोई काम करने में आपके पास समय ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, पावर डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर बोगस कंपाउंड हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज बाई वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, मैक्सिमम परसेंटेज बाई वॉल्यूम ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ऑप्शन डी हो जाएगा, एलाइट C3S, ठीक है, एलाइट C3S, क्या पूछा है, हिंदी में भी आप स्टेटमेंट देख लेना इसकी, ये क्वेश्चन है,
ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 122। 122 क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है इसमें। द की ऑफ प्रॉफिटेबल ऑपरेशन फॉर प्रोजेक्ट कॉस्ट कंट्रोल, क्या कंट्रोल करता है? टू कीप द प्रोजेक्ट कॉस्ट विद इन द कॉस्ट बजट एंड नोइंग व्हेन एंड वेयर जॉब कॉस्ट आर डेविएटिंग। ठीक है, ये आप देख लीजिए, हिंदी में भी देख लीजिए क्वेश्चन। परियोजना लागत को लागत बजट के भीतर रखना और यह जानना कि जॉब में की लगा लागतें कब और कहां परिवर्तित हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर, हम लोग वही एस्टिमेशन क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 123। नासा हैज अनाउंस अ प्लान टू ओपन अ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन $150 बिलियन ऑर्बिटिंग लेबोरेटरी टू प्राइवेट टूरिज्म, व्हाट इज द चार्जेस पर डे, उसका एक दिन का चार्जेस क्या होंगे? $35,000, $35,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 124। द मैग्नेटिक फील्ड कैन एग्जर्ट फोर्स ऑन, मैग्नेटिक फील्ड कैन एग्जर्ट फोर्स ऑन किस में करती है? ऑप्शन ए मूविंग चार्जेस पे, ऑप्शन ए इज करेक्ट, मूविंग चार्जेस पे, मूविंग चार्ज पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। आइडेंटिफाई द रिपेयर टाइप रिलेटेड टू द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हिंदी निवारण रखाव से संबंधित मरम्मत प्रकार की पहचान करें। ऑप्शन डी पेंटिंग ऑफ द डोर एंड विंडो, पेंटिंग ऑफ द डोर एंड विंडो, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस ऑन अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? दूर और पास के ऑब्जेक्ट को देखने की जो एबिलिटी होती है आँख की, उसको क्या कहते हैं हम? पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। मेडलीफ पीरियोडिक लॉ स्टेट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एयर, केमिस्ट्री का है एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। फॉर डस्ट फ्री फ्लोरिंग द फ्लोर फिनिश मटेरियल शुड हैव विच प्रॉपर्टी मेनली, कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए डस्ट फ्री के लिए? एब्रेसिव रेजिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, 129, एब्रेसिव रेजिस्टेंस जानते हैं हम लोग, पाउडर फॉर्म में ना बने। 129 देखते हैं, 129 का हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट कैन बी मैनेज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, किस तरीके से हम स्टोर आइडेंटी आईडेफिनाइटली स्टोर आइडेंटी, इसके हिंदी भी देख लेना आइडिया आप लोग, ये रहा हिंदी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 130। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, करेक्ट स्टेटमेंट आपसे बोल रहा है, इसमें क्या है? ऑल ऑप्शन जाता है, ऐसे में ऑल ऑप्शन आ करेक्ट होते हैं, जब ऐसी लोकेशन दे देता है आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट F3B116, तो ये क्वेश्चन तो ना करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 171661। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन 132। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? अगर बीम और बीम टू कॉलम कनेक्शन इन स्टील कंस्ट्रक्शन इफ टॉर्जन इज परमिटेड एट द एंड ऑफ सिंपल सपोर्टेड बीम बाय नॉट प्रोवाइडिंग द क्लीट्स, क्लीट्स अगर नहीं प्रोवाइड करते हैं, हिंदी में पढ़ लीजिएगा आप, तो आपका क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बीम इंक्रीजेस बाय 20%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 133। नेक्स्ट 133, वर्ल्ड रिलीजन डे इज ऑब्जर्व ऑन डैश ऑफ द जनवरी थर्ड संडे। ठीक है, थर्ड संडे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 134 आपका ये न्यूमेरिकल है, रेवेन्यू डिपॉजिट इतना रुपीज इतना ईयर ऑफ द थाउजेंड, ये आपके आंसर में बता दे रहा हूँ इसका, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 135। डायनेमिक उस क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है, ये आपका एफएम का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बनाया हुआ है इसने, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, आप लोग देख लीजिएगा, ये आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136। व्हाट इज द वेरी फर्स्ट क्रैक दैट अकर इन एनी आरसीसी मेंबर स्पेशली इफ कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग समर, क्या आप किसी ये पूछ रहा है कि फर्स्ट क्रैक जो होता है समर में, वो आपका ऑप्शन सिंकेज क्रैक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। आ कंप्यूटर डैश इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट प्रोपगेट बाई इंसर्टिंग अ कॉपी इटसेल्फ इनटू द बिकमिंग पार्ट ऑफ अनदर प्रोग्राम, इसको क्या कहते हैं हम? वायरस कहते हैं। ठीक, वायरस कहते हैं, वायरस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर
138 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर शॉप वेल्डिंग एंड फील्ड वेल्डिंग, पहले शॉप पूछा है फिर फील्ड पूछा है, तो शॉप की पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कम होगी और इसकी ज़्यादा होगी, 1.25 और 1.5, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एनवायरमेंट एजुकेशन इज फॉल्स, एनवायरमेंट एजुकेशन के लिए जो गलत है, आप चारों स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, आप हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा, ये रही हिंदी में आपकी चार स्टेटमेंट और इसका करेक्ट आंसर है माय डियर सी, करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट माय डियर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 140 डीआरडीओ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल इज कैनिस्टेड लॉन्च बाय द हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिशन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, क्या है आपका शौर्य, ऑप्शन शौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स ऑफ कपल विथ द आर्म ऑफ द कपल इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं ये देख लीजिए क्वेश्चन आपको, एक सेकेंड, ये क्या क्या कौन सा क्वेश्चन था, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ द कपल, मूवमेंट ऑफ द कपल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142, टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिस्टेंसी टेस्ट परफॉर्म, कंसिस्टेंसी टेस्ट कहाँ परफॉर्म किया जाता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट वाटर सीमेंट रेशियो के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143।